हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय प्रोग्राम नॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम सुभाषिस। टुडे आई विल डिस्कसिंग अबाउट ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट व्हाट इज सिलेक्शन स्टेटमेंट एंड इटरेशन स्टेटमेंट इन प्रीवियस वीडियो। ओके, देन अब हम स्टार्ट करेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके, अब हम पढ़ेंगे जंप स्टेटमेंट। आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट सिलेक्शन स्टेटमेंट एंड इटरेशन स्टेटमेंट इन प्रीवियस वीडियो, और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके इसको देख लीजिए। उसके बाद पढ़ेंगे जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट में आता है ब्रेक एंड कंटिन्यू। देखो, ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इट इज यूज्ड टू टर्मिनेट ए लूप। ये लूप को टर्मिनेट करता है एंड मूव द कंट्रोल टू द आउटसाइड ऑफ द लूप। ये लूप में लूप से बाहर आ जाता है। ओके, ब्रेक स्टेटमेंट यूज होने के बाद देखो, सपोज आप एक प्रोग्राम कर रही हो, ओके, देन इसमें लूप है एंड लूप के अंदर सपोज ब्रेक स्टेटमेंट है। आपका लूप कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। सपोज एक ब्रेक, सपोज ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ये जो लूप है, ब्रेक स्टेटमेंट जो भी लूप के अंदर था वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा हमेशा के लिए। ओके, ये लूप कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन क्या होगा? द कंट्रोल मूव आउटसाइड द लूप। ओके, देखो मैं इसका एक प्रोग्राम रन कर रहा हूँ इक्लिप्स में। देखो इसको, अब हम इक्लिप्स में प्रोग्राम रन करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट का। ओके, ये मेरा फॉर लूप का प्रोग्राम पहले से था तो इसलिए मैं इसको ब्रेक स्टेटमेंट में यूज करता हूँ। देखो, ब्रेक स्टेटमेंट कमेंट कर देता हूँ। ओके, देन देखो मैं इसमें कुछ चेंज करूँगा बस। देखो ये फॉर लूप है। ओके, मैं इसके अंदर इफ कंडीशन लिख रहा हूँ। देखो, इफ इसके मैं पास करूँगा, क्या मेरा कंडीशन होगा? आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू सपोज 5, ओके, देन ब्रेसेस, ओके, देन और एक ब्रेसेस चाहिए, इसको क्लोज कर दिया। देखो, देन मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज करूंगा। ओके, देखो ब्रेक, राइट, देखो ये क्या होगा। देखो फास्ट, देखो स्टॉप प्लीज। ओके, देखो मेरा फॉर लूप है। ओके, ये मेरा फॉर लूप का सिंटैक्स कंप्लीट। देन उसके बाद क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये जो भी है आई का वैल्यू प्रिंट करेगा। देन गो टू इफ कंडीशन, देखो देन कंडीशन चेक करेगा, देन प्रिंट करेगा प्रोग्रामिंग नॉलेज, देन ब्रेक। देखो ये कैसे यूज होता है। देखो सपोज आपका इफ कंडीशन इज फॉल्स, ओके, देन इट एग्जीक्यूट फॉर लूप स्टेटमेंट। ओके, मीन्स इट इफ योर कंडीशन, इफ कंडीशन इज फॉल्स देन इट कैनॉट बी एंटर योर इफ ब्लॉक। ओके, सपोज योर कंडीशन इज ट्रू, इफ कंडीशन इज ट्रू देन इट प्रिंट्स प्रोग्रामिंग नॉलेज एंड गोज टू ब्रेक एंड एग्जीक्यूट एंड टर्मिनेट द लूप। ओके, सो आपका जो भी इफ कंडीशन सपोज ट्रू होगा देन ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेगा। ओके, अदरवाइज इट कैनॉट बी एग्जीक्यूट ब्रेक स्टेटमेंट एंड ऑल्सो इफ ब्लॉक स्टेटमेंट। देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। देखो मैं इसको रन करता हूँ। देखो देखो 1 2 3 4 5, बट सिंगल प्रोग्रामिंग नॉलेज आया है, क्योंकि देखो आपका फर्स्ट वन आई का वैल्यू क्या है, 1, देन कंडीशन चेक करेगा आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन फॉल्स देन इट कैन नॉट एंटर इफ ब्लॉक, देन इट अगेन एग्जीक्यूट और अगेन रिपीट लूप फॉर लूप। ओके, देन प्रिंट करेगा आई का वैल्यू, देन 2 3 4 5, ओके, देन 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू, देन एंटर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड प्रिंट प्रोग्रामिंग नॉलेज, देन गोज टू ब्रेक स्टेटमेंट, देन ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा एंड ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद ये जो लूप है लूप टर्मिनेट कर जाएगा। ओके, सो द लास्ट आउटपुट इज प्रोग्रामिंग नॉलेज। ओके, सपोज देखो मैं इसको, उसके बाद मैं कुछ, ये मेरा इफ ब्लॉक हो गया, देन मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रोग्राम फिनिश। ओके, देखो ये उसको भी प्रिंट करेगा। देखो ये कैसे आया, देखो क्योंकि देखो ये क्या हुआ, देखो आपका ये कंडीशन क्या है, देखो ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये फॉर लूप के अंदर है। ओके, सो दैट आपका सपोज फॉर लूप कंडीशन ट्रू देन एंटर देन आपका प्रिंट करेगा आई का वैल्यू, देन गोज टू इफ कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स देन गोज टू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रोग्राम फिनिश्ड, क्योंकि प्रोग्राम फिनिश लाइन की प्रिंट करेगा क्योंकि ये लाइन फॉर लूप के अंदर ही है। ओके, बट ये जो प्रोग्रामिंग नॉलेज है इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि आपका कंडीशन फॉल्स है। इफ कंडीशन फॉल्स है
इफ का जो कंडीशन, देन ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा एंड कैसे एंटर करेगा इफ ब्लॉक के अंदर, एंटर नहीं कर पाएगा। ओके सो आपका कंडीशन ट्रू होगा देन एग्जीक्यूट ब्रेक स्टेटमेंट एंड एग्जीक्यूट ऑल्सो इफ ब्लॉक स्टेटमेंट। ओके तो हम पढ़ेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट। देखो इसका यूज क्या है, द कंटिन्यू कीवर्ड इज यूज टू मूव कंट्रोल टू द बिगनिंग ऑफ लूप। मीन्स कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू जो कीवर्ड है इसका एग्जीक्यूट का बाद है जो कंट्रोल है ये मूव होगा प्रोग्राम बिगनिंग को। ओके देन इसका सिंटैक्स देखो, कंटिन्यू एंड सेमीकोलन, इसका यूज हम करेंगे इक्लिप्स में। ओके देखो ये मेरा ब्रेक स्टेटमेंट का प्रोग्राम है, मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, बस कंटिन्यू देन ब्रेक कीवर्ड के जगह में कंटिन्यू लिख रहा हूँ। देखो अब इसको रन करता हूँ, देखो क्या रिजल्ट आएगा। देखो वन प्रोग्राम फिनिश, टू प्रोग्राम फिनिश, देन आ रहा है। देखो फाइव के बाद प्रोग्राम फिनिश नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रोग्रामिंग नॉलेज। क्यों, देखो आपका फर्स्ट फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा, फॉर लूप कंडीशन ट्रू है देन आई का वैल्यू प्रिंट करेगा वन, देन गोज टू इफ कंडीशन, कंडीशन फॉल्स होगा क्योंकि वन ग्रेटर देन टू फाइव, नो इट इज फॉल्स, सो इट कैन नॉट एंटर इफ ब्लॉक स्टेटमेंट, सो इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूट प्रोग्रामिंग नॉलेज स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू, देन गोज टू नेक्स्ट लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन प्रोग्राम फिनिश्ड। ओके इसको एग्जीक्यूट करेगा, देन अगेन जाएगा फॉर लूप में, देन कंडीशन ट्रू, देन नेक्स्ट लाइन, देन इफ कंडीशन इज फॉल्स। ओके देन इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्या एग्जीक्यूट करेगा, प्रोग्राम फिनिश। देखो फाइव के बाद क्या आता है, देखो फाइव लेस देन इक्वल टू फाइव, इज इट ट्रू, यस ट्रू, देन एग्जीक्यूट प्रोग्रामिंग नॉलेज। देखो फाइव के बाद प्रोग्रामिंग नॉलेज आया है, देन कंटिन्यू। देखो कंटिन्यू करेगा मतलब इसका ये जो नेक्स्ट लाइन है प्रोग्राम फिनिश एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि कंटिन्यू का मतलब क्या है, आप कंटिन्यू स्टेटमेंट और कीवर्ड यूज करेंगे तो आपका जो भी कंट्रोल है वो कंट्रोल नीचे नहीं आएगा, अगेन प्रोग्राम जहां से शुरू हुआ था, ये जो लूप जहां से शुरू हुआ था अगेन इसको एग्जीक्यूट करेगा। देखो कंटिन्यू एग्जीक्यूट करेगा, देन गोज टू फॉर लूप। ओके इट कैन नॉट एंटर नेक्स्ट लाइन, ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन प्रोग्राम फिनिश लाइन, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा, देन गोज टू फॉर लूप, अगेन एग्जीक्यूट, कंडीशन ट्रू। ओके कंडीशन क्या होगा, सिक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू फाइव, कंडीशन ट्रू, देन एग्जीक्यूट, देन प्रिंट प्रोग्रामिंग नॉलेज। ओके देन कंटिन्यू, देन गो टू फॉर लूप। ओके ब्रेक का मतलब क्या है, ब्रेक का मतलब वो लूप टर्मिनेट कर देगा, ओके एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट कंटिन्यू का मतलब क्या है, वो लूप में एग्जीक्यूट होने के बाद लूप जहां से शुरू हुआ था वहां जाएगा एंड अगेन एग्जीक्यूट करेगा। ओके बट ब्रेक क्या होता है, टर्मिनेट कर देगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके ये था ब्रेक एंड कंटिन्यू का डिफरेंस एंड इसका डेफिनेशन। ओके Do click on the subscribe button to never miss any update from Hottest Technology YouTube channel.